संजय राष्ट्रीय उद्यान, जो संजय डुबरी टाइगर रिजर्व का एक हिस्सा है, घूमने के लिए सबसे लोकप्रिय स्थान है। टाइगर रिजर्व में संजय राष्ट्रीय उद्यान और डुबरी वन्यजीव अभयारण्य शामिल हैं। दोनों 831 वर्ग किमी से अधिक क्षेत्रफल को कवर करते हैं और यह मध्य प्रदेश के सीधी जिले में स्थित है। अभी तो सर यहाँ से अपन लोग बफर जोन पे हैं, यहाँ से 5 किलोमीटर अभी बफर एरिया पार करेंगे, लेकिन साइटिंग के चांसेस यहाँ भी हो सकता है। बफर में भी कभी कभार टाइगर साइटिंग हो जाता है, टाइगर, फ्लोदिया, लेपर्ड दिख जाते हैं यहाँ भी। जी जंगल के गांव। जी जी, इस जंगल की सबसे अच्छी बात यह लगी कि यहाँ की नदियाँ कभी सूखती नहीं है और जंगल के पशु पक्षियों को और क्या चाहिए, और यह सब देख के बस आपका मन भी खुश हो जाएगा। सफेद बाघों में सबसे प्रथम बाघ मोहन यहीं पाया गया था। सदाबहार साल वनों का यह क्षेत्र 152 पक्षी, 32 स्तनधारी, 11 सरीसृप, 3 उभयचर व 34 मत्स्य प्रजातियों समेत अनेक जीवों, विशेषकर बाघों का आश्रय स्थल है। यह टाइगर बैठा था कहाँ पे? अच्छा, टाइगर बैठा था, यहाँ पे बैठा है, नहीं है, बैठा था। इधर देखो, ये पगमा देखो, दिख रहे ना जाते हुए। हाँ, ये कुछ मालूम पड़ा तो कालिंग करत रहा किधर, कालिंग यहां चला गाड़ी, यहां क्या सुनो, कॉलिंग किसकी थी? डियर की। देखिए कॉल है,
और आखिरकार हमें भी बाघों का दर्शन हो ही गया, वो भी एक साथ तीन बाघों का। और सच कहे तो इस जंगल में घूमकर हमें भी बड़ा आनंद मिला और यह हमारे जीवन का यह पल कभी ना भूलने वाला पल बन गया। आप भी यहाँ एक बार जरूर आने का प्रयास करें।